था जब हम लोग यहाँ से टूर में जा रहे हैं गंगटी की ओर, और गंगटी में मैं जा रहा हूँ लास्ट भगैया, वो गंगटी प्रखंड के लास्ट बॉर्डर पे हूँ, जो कि सटा हुआ है साहेबगंज प्रखंड से सटा हुआ है। पहले आते तो बैरियर से लगने से पहले हम लोग निकल जाते। ये ट्रेन है, ट्रेन जाती है कोयला लेकर के ललमटिया से लेकर के एनटीपीसी कहलगांव जाती है यहाँ से। आज वेदर भी थोड़ा ज़्यादा ही ठंड लग रही है। अभी मैं मोबाइल में देखा था तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस में नहीं गया है, अभी 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और दिन ब दिन देख रहा हूँ कि घटते जा रहा है वेदर का टेम्परेचर भी, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब गाड़ी सिग्नल उठेगा फिर निकलेंगे। लग रहा है कि कुल्फी जम जाएगा भाई, इतनी शिद्दत की ठंड है। अभी कुछ दिखाई दे रहा था, जब घर से निकला था तो रोड तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि देख पा रहा हूँ, चलने में आसानी होगी। सवेरे निकलने का मकसद भी यही था, मतलब वीडियो भी बना लूँ, मतलब एडवेंचर भी हो जाएगा और अपना काम की तरफ भी निकल जाऊँगा। मैं क्या करूँ काम से, अरे अपना टाइम पे मैं यार बड़ी मुस्तैदी से अपना ड्यूटी निभाता हूँ और टाइम का बहुत ही पंक्चुअल हो, इसके वजह से थोड़ा पहले निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता क्या, मैं निकलता हूँ इसलिए कि ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। मैं एकदम 10 बज करके 1 मिनट 2 मिनट या 10 बज से पहले पहले ही पहुंच जाता हूं मैं एवरीडे। कोल्ड के मौसम में थोड़ा सा 5-6 मिनट इधर उधर हो जा रहा है। बज गए, अभी स्किट किए हम लोग, जो कि बाल बाल बज गए, कम नहीं था। मेरे टायर में यार गोटी नहीं है और शुरू से ही गोटी नहीं थी, टायर का ऐसा बनावट ही है, मतलब कीचड़ में जाता है मतलब स्किट कर जाता है। अभी जैसे चले गए, जिस चीज़ से हम लोग मतलब सेफ रहना चाहते हैं वही चीज़ हो जाता है। ये है मुद्रा गाँव हो गया, बचा हूँ, एक बार तो गिर ही गया हूँ, बच्चे को बचाने में इसलिए गांव आता है तो बहुत स्लो स्लो कर लेता हूँ।
धीरे धीरे देख रहा हूँ कि कोहरा थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं जा रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो में एडवेंचर वाला बनाऊंगा, कोशिश काम कराता है तभी मैं ये ब्लॉक का डालता हूँ। बहुत लोग समझ पाता है, बहुत लोग नहीं समझ पाता है ये क्या है, कैसे इस तरह बन गया, तो इसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता है। पता नहीं होता है कि भाई इसमें टाइम कितना लगता है। लेकिन वही हम
सुना कर देता है, मन सुना देखा कि ऐसे ही बन गया है, ऐसे ही पोस्ट कर दिया है, ऐसे शेयर कर दिया है। इसमें मेहनत लगता है भाई, थोड़ा सा पोस्ट बनाने में भी मेहनत लगता है, सजेस्ट करें ताकि मैं इसको सुधार कर पाऊँ। और अगर इसमें कमेंट जो करता है ना थोड़ा सा भाई, उसमें काम करने में दिल लगता है थोड़ा सा। कमेंट जो होता है ना उसमें दिल इसलिए लगता है कि उसको कमी को सुधारने में अच्छा लगता है ना, और खुद से कमी निकालना अपने 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 बारे में ये नहीं हो सकता है। दूसरा आदमी कमी को देख पाता है, खुद की कमी खुद से नहीं देख सकता। अभी बलबटा यहाँ तो रोज गए हैं, और इस सिरे से बलबटा गए थोड़ा बड़ा है, उसको तो निकलने में अच्छा टाइम लगता है। साइड से निकलेंगे यहाँ का अपने एरिया में सारे जगह यहीं से हम सप्लाई किया जाता है। बाय फोटो से अक्सरा मेरे सिंपुर की तरफ उधर बहुत दिखे का ख़त्म हो जाए या तो इमरजेंसी के रूप में रहे गीजर में लगा रहे तो यहाँ आते आते ले सकते हैं है पेट्रोल पंप। लेकिन इसमें भी कभी पेट्रोल रहता है कभी नहीं रहता है, अक्सर मिलता है कि मैं जब भी आता हूँ तो उस समय मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले थोड़ा सा पेट्रोल लेना चाहता हूँ इसलिए कि मुझे ये गाड़ियाँ मैं घड़का नहीं पाऊँगा, इसकी वजह से कितना देर नकल करके लेके जाऊँगा। ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता यहाँ पर, फिर पाँच ले लो, 50 100 टका दे लो। बहुत इधर चलाते दीजिएगा, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया ना हमको, तेल लेती हूँ। वो थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ से निकलने में, कमीज क्या भाई, कमीज कौन सा